आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट बॉक्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप टच लाइट को किस तरह घर पे बना सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास ये कुछ कंपोनेंट है। एक मेरे पास ये बैटरी है जो कि हमारा 9 वोल्ट का बैटरी है, और ये इसका कनेक्शन के वायर हैं जो रेड वाला है ये प्लस के लिए है, जो ब्लैक वाला है निगेटिव के लिए। एक मैंने ये ट्रांजिस्टर लिया हुआ है जो हमारा BC547 है। मैं इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, क्योंकि इस पर बहुत छोटा लिखा हुआ है इसलिए इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा क्लियर है। और ये कि मैंने LED लाइट ली हुई है, तो LED लाइट में जो होता है हमारा, इसमें प्लस और माइनस होता है। तो जो इसमें अंदर की तरफ आप देखेंगे, ये फ्लैग टाइप का बना होता है इनर साइड में, तो ये जो होता है हमारा, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। इसकी लैग ऑलमोस्ट सेम सी है, इसलिए अदरवाइज़ जो बड़ी लैग होती है वो प्लस की होती है, और छोटी लैग जो होती है वो निगेटिव की होती है। उससे भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर ये मैंने 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। तो इन कंपोनेंट की हेल्प से हम आपको टच लाइट बनाना सिखाएंगे। तो अभी हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखें, ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा, इसमें 3 लैग होती हैं। पहला जो होता है एमीटर होता है, बेस होता है, और लास्ट वाला कंट्रोलर होता है। तो ये एमीटर है, मैंने इसको इधर फोल्ड कर दिया है, और जो कंट्रोलर वाला लैग है इसको मैंने इस तरफ फोल्ड कर दिया है, और जो इसका बेस है ये हमने मिडिल में रखा है। तो अब हम इसकी जो है सोल्डिंग कर लेते हैं। तो पहले जो है मैं इसमें एक LED लाइट को सोल्डिंग कर देता हूँ। तो LED लाइट का जो निगेटिव वाला पॉइंट है इसको हम इधर फोल्ड कर लेते हैं, और पॉजिटिव वाले को ऐसे ही हम इधर फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो जैसे कि आप देखेंगे, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो जो इसका हमारी LED लाइट का जो निगेटिव पॉइंट है, हम एमीटर ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो मैं अभी इसको इधर ऐसे सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे, हमने जो LED का माइनस वाला पॉइंट है ये एमीटर के साथ, ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस को इस तरफ जो है इधर LED के प्लस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो देखेंगे, एक रेजिस्टेंस को हमने इधर प्लस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो हम इधर जो है हमारा कंट्रोलर है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये देखेंगे कि हमारे दोनों रेजिस्टेंस जो हैं इसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। एक हमने ट्रांजिस्टर के कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा हमने LED के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अब जो हम बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं इसके लिए, तो जैसे कि आप देखेंगे, बैटरी के हमारे एक रेड है और एक ब्लैक है, प्लस और माइनस। और हमारा जो 9 वोल्ट का बैटरी है इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो हम मल्टीमीटर की हेल्प से इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हमारा उसमें 9.32 वोल्ट आ रहा है, तो बैटरी हमारी परफेक्ट है। तो हम जो इसका कनेक्शन कर लेते हैं, तो जो इसका रेड वाला वायर है, हम इसको LED के रेड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो मैं भी इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ इस तरफ। तो ये रेड वाला हमने इस तरफ इसको कनेक्ट कर दिया है, और जो माइनस वाला है वो हम इस रेजिस्टेंस के इधर कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हम जो है इधर कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देखेंगे कि हमारा एक इस तरह से ये कम्बिनेशन बन के अभी रेडी हो गया है। ये हमने ट्रांजिस्टर जो है हमारा, इसका एमीटर को हमने माइनस के साथ कनेक्ट कराया LED के, और बेस को हमने अभी फ्री रखा हुआ है, और जो कंट्रोलर है कंट्रोलर के साथ दूसरा हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इधर ये बैटरी का माइनस वाला इधर कनेक्ट कर दिया है, और जो बैटरी का पॉजिटिव हमने LED के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और वहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस जो है ये कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस का एक सिरा ये फ्री है, और अभी हमारा बेस जो है मीटर का बेस जो है ये फ्री है। अभी हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे कि मैं अब इसमें ये बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ इधर इस तरह से। तो ये देखिए, अभी हमारा जो है लाइट ये नहीं जल रही। अब जैसे हम इसको यहाँ पर टच करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी लाइट जो है ये जलने लगी। तो जैसे कि आप देखेंगे, इस तरह हमारी ये टच लाइट बन के एकदम रेडी हो गई है। अगर हम इसको यहाँ पर टच करेंगे, तो ये देखिए कितना अच्छा ये ग्लो कर रहा है।
इस तरह से, जैसे ही हम रेजिस्टेंस का ये और बेस को दोनों को आपस में टच करेंगे, हाथ से टच करेंगे, तो ये हमारी लाइट जो है एकदम जलने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह आप जो है घर पे अपने जो हैं इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।